आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता।